सुखी रह सकें। ये कम्युनिस्ट आइडिया लग सकता है, लेकिन ये मानवता का आइडिया, ह्यूमैनिटी का आइडिया, ये ह्यूमैनिटी है। जानवर जो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो लागू होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जानवरों के लिए लागू होता है। हमने एक सोसाइटी बनाई है, ह्यूमन सोसाइटी। और जब हम ह्यूमन सोसाइटी बना रहे थे शुरू में, अर्ली मैन के समय में, उस समय में बहुत सारी चीज़ें एक साथ जन्म ले रही थी। एक तो सोसाइटी जन्म ले रही थी, सोसाइटी के नियम जन्म ले रहे थे। सब्जेक्ट नहीं था सोशियोलॉजी, लेकिन समाज तो जन्म ले रहा था, परिवार जन्म ले रहा था, विवाह संस्था जन्म ले रही थी, और शक्ति का जन्म हो रहा था, सत्ता का जन्म हो रहा था, अथॉरिटी का जन्म हो रहा था, यानी कि राज्य का जन्म हो रहा था। स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। और ये सब जो हो रहा था, इन सब में जो चीज़ थी वो थी बाद में फिर से कि शिकार करके जब लोग आएंगे तो शिकार का बंटवारा कैसे होगा, फूड गैदरिंग करेंगे तो उसका बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि खाने वाले तो बहुत सारे हैं, लाए हैं वो थोड़ा सा, तो सब मिल बांट करके खाएंगे। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि जो रिसोर्स हैं वो स्कार्स हैं। हमेशा से ह्यूमन सोसाइटी में रिसोर्सेज स्कार्सिटी में रहें, बहुत कम मात्रा में रिसोर्सेज रहें, डिमांड ज़्यादा रही है। इकोनॉमिक्स का जन्म उसी से हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो यही है। पिछली बार मैंने शुरू जो किया था इकोनॉमिक्स का लेक्चर, अगर आप पुराना सुनेंगे तो उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्कार्सिटी के ऊपर ही है। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति, पुराने ज़माने के हिसाब से ही देखें, अर्ली मैन के समय पे, कि अगर वो दिन भर में डे लाइट में अगर मान लिया 10 घंटे का समय है उसके पास शिकार करने का या फूड गैदरिंग करने का, तो पूरे 10 घंटे में वो 10 हिरण मार सकता है। अगर शिकार करने निकला है तो 10 हिरण मार के ला सकता है। और अगर वो बेरीज इकट्ठी करता है तो 100 बेरीज इकट्ठी करता है। तो 10 घंटे में या तो वो 100 बेरीज कर सकता है या फिर 10 डियर कर सकता है। अगर वो डियर में से कमी करता है तो साथ में बेरीज उसमें ऐड होती जाएंगी। 1000 बेरी कर लीजिए, 100 बेरीज 1 घंटे में कर लीजिए, 10 आवर्स में 1000 बेरीज कर लीजिए, तो 200 बेरीज कर रहे हैं तो उधर 8 हिरण रह जाएंगे, 300 बेरीज है तो उधर 7 हिरण रह जाएंगे, क्योंकि समय जो है वो लिमिटेड है, डे लाइट इतनी है और एक आदमी की कैपेसिटी यही है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, तो प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, वो लिमिटेड है, क्योंकि टाइम एक आदमी के पास उतना ही है। तो उसको उसमें कहा गया कि यदि कोई ज़्यादा अगर हिरण मारना चाहता है तो उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। और इस बीच में वो जो कर सकता था, जो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो 8 हिरण के बजाय अब 10 हिरण मार रहा है, इस बीच में जो वो 200 बेरीज इकट्ठी कर सकता था वो नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये इकोनॉमिक्स के मूल सिद्धांत हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उसमें यदि आप मार्जिन ढूंढते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी पे करनी पड़ती है, वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, और अपॉर्चुनिटी करने जाएंगे तो वह मार्जिन कम हो जाएगा। और ये होता है, इसी वजह से लोग बिजनेस करते हैं, यही है बिजनेस, यही है। क्योंकि आप मान लिया जाए आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप इन्वायरमेंट को कम देखेंगे और पॉलिटी को ज़्यादा देखेंगे तो कोई न कोई दूसरा हिस्सा इन्वायरमेंट का जो है वो छूट जाएगा। जिसका ज़्यादा रिवीजन करेंगे उसके क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा ठीक करेंगे, आप सोचेंगे पॉलिटी के 20 आते हैं तो हम 18 सही कर लें, तो उधर के सिली क्वेश्चन भी हो सकता है गलत हो जाएँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पे करनी पड़ती ना, वो तो कॉस्ट तो आती है। तो हम अपनी तैयारी में भी इसको तो पूरी ज़िंदगी में यही इकोनॉमिक्स के सिद्धांत है। और इकोनॉमिक्स के सिद्धांत इसलिए लागू होते हैं क्योंकि हम लाख ह्यूमन सोसाइटी में रहें, कितना भी समाज बना लें, कितना भी परोपकार की बातें कर लें, स्वार्थ बीच में आड़े आ जाता है। तो क्यों ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, फेयर हो। और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेटली जो है समान विकास होने की संभावना बढ़ेगी। तो हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम उन लोगों के सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे जो पैसा कमाते हैं और इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं इकट्ठा करते हैं। और हम फिर उस सिद्धांत पे भी फोकस करेंगे कि जो इकट्ठा हो गया है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, इसका बंटवारा फिर से उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जो बहुत नीचे रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, क्या उनको फिर से ये दिया जा सकता है। ये काम जो है प्रशासन का है, ये काम जो है प्रशासन का है। तो इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप अपने से हट करके, खुद के प्रॉफिट को छोड़ करके, जब हम खुद के प्रॉफिट की बात करेंगे कि मुझे कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इंश्योरेंस की कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, जब हम अपने लिए बात करते हैं, एक आदमी अपने खुद के लिए बात करता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं डीजल गाड़ी लूँ या पेट्रोल गाड़ी लूँ, किस में मुझे ज़्यादा फायदा होगा, कौन सी कार लेने से मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मुझे बहुत लंबे समय तक चलानी, 5-6 साल तक चलानी, 6-7 साल तक चलानी है और रोज़ 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से ज़्यादा मुझे ट्रेवल करना होता है, तो मुझे डीजल गाड़ी लेना चाहिए ताकि मैं पैसा बचा सकूँगा। पेट्रोल कार यदि मैं 2-3 साल ही कार रखना चाहता हूँ और 20 किलोमीटर की दूरी होती है, तो फिर मैं 1.5-2 लाख रुपया डीजल कार पे ज़्यादा क्यों खर्च करूँ। अगर 10 लाख की कार है तो डीजल वाली 12 में आएगी या 11.5 में आएगी, पेट्रोल वाली 10 में आएगी। तो मुझे बेकार पैसा खराब नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि 2-3 साल बाद मैं बेच दूंगा, नहीं लूँगा, जो भी है। लेकिन अगर 6-7 साल आप चलाने वाले हैं और वो कॉस्ट निकाल लेंगे आप जो 1.5 लाख रुपया ज़्यादा लगा है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा लंबे समय तक चलानी होगी और रोज़ ज़्यादा चलानी होगी, तब जा कर के वो कॉस्ट निकलेगी। तो ये जो आपकी सोच होती है कि मैं ये कार लूँ या ये जो पर्सनल गणित होता है हमारा खुद का, जो मैथमेटिक्स है फायदे और नुकसान का, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब बात आती है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो जो डीजल कार है वो ज़्यादा पोल्यूटेंट छोड़ती है, ज़्यादा पोल्यूशन करती है, पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए वो 1.5 लाख के बजाय टैक्स बढ़ा करके 2 लाख कर देना चाहिए ताकि लोग डीजल कार खरीदने से बचें। तो ये आप समाज के लिए तय कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए तय कर रहे हैं, इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आ गया उदाहरण से समझ में। जब हम समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए, पूरी दुनिया के लिए जब हम बात करते हैं जिन सिद्धांतों की, वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, खास करके डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का जो बड़ा पार्ट है वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप माइक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से नहीं सोचते, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक को ना भी पढ़ें या बहुत कम पढ़ें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस जनरली नहीं होते। लेकिन जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके पास वो भी क्वेश्चन होते हैं। जो एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, बीए करते हैं इकोनॉमिक्स, 11-12 में इकोनॉमिक्स लेते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, उनके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स भी उतना ही मायने रखता है। सिविल सर्विसेज में उतना नहीं रखता, क्योंकि यहाँ हम लोग पॉलिसी मेकर हैं, हम पॉलिसी बनाएंगे, पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी बनाते समय में मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो ये वाली इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट शुरू क्यों हुआ, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो रेयर हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है, यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, फिर जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन का जो कब्जा है वो किन लोगों का होगा, और अगर उन्होंने प्रोडक्शन पे कब्जा कर लिया, प्रोड्यूस पे कब्जा कर लिया, तो फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करवाएंगे सोसाइटी के लिए। इसलिए इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, और ये बहुत ही फेयर तरीके, ट्रांसपेरेंट तरीके से और अकाउंटेबल तरीके से हो, इसके लिए एथिक्स सब्जेक्ट का जन्म हुआ। एथिक्स आ गया कि ईमानदारी से होना चाहिए, नैतिकतापूर्ण होना चाहिए, इसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए एथिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो इसी पे है कि रिसोर्सेज पर्याप्त तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, करप्शन तो नहीं हो रहा, बीच में लीकेजेस तो नहीं है, कोई रिसोर्सेज अपने लिए तो नहीं रख रहा, पूरे दे रहा है कि नहीं, सोसाइटी तक जो हिस्सा पहुंचना चाहिए वो उन तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये जो पूरा सिद्धांत है इकोनॉमिक्स का, ये इस तरह से काम करता है। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए जो सोर्सेज हैं वो हमारे नोट्स आप ले सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया था प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है, उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 11th-12th का, खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। बाकी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस वही सारे होंगे जो कि समाज में बदलाव लेके आ रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो सीधा बदलाव के लिए है। सोसाइटी में बदलाव लाता है, आदमी की ज़िंदगी में बदलाव लाता है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, जो तमाम टॉपिक्स पढ़ेंगे हम आने वाले समय में, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। वहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, विकासात्मक अर्थशास्त्र, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। और ये डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स वाला जो हिस्सा है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉवर्टी, गरीबी। और ये जो पॉवर्टी है, यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 1 क्वेश्चन तो आता ही है, 3 भी आ जाते हैं कभी कभी, 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। और पॉवर्टी का 2 प्रकार बताया गया है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, पुरानी लेक्चर भी देख लीजिएगा हमारी, उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी स्किप करते हुए जा रहा हूँ, पहले ज़्यादा अच्छे से बताया है। तो पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब चूंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी शब्द है, तो यहाँ पॉवर्टी रिलेटिव में तो हम लोग देखते हैं किसी दूसरे के साथ में, कि दूसरे के साथ इनइक्वलिटी को ही एक तरह से रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, असमानता। एक व्यक्ति बहुत अमीर है और दूसरा गरीब है, लेकिन गरीब कौन है? अब जैसे मुकेश अंबानी के सामने तो बहुत सारे लोग गरीब हैं, देखा जाए तो जो 1 करोड़ साल का कमा लेता है वो भी, उसके सामने तो गरीबी है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये जो गरीबी का पैमाना है, ये एक अलग चीज़ है, रिलेटिव पॉवर्टी, असमानता। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हम किसी स्टैंडर्ड पे उसको नाप करके देख रहे हैं, और किसी स्टैंडर्ड के ऊपर कैसे नापेंगे, तो इसके लिए 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दे कौन रहा है? तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जनरली एक्सपर्ट्स देते हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का या नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ओपिनियन, ओपाइंड बाय तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, ओपाइंड बाय रंगराजन। तो ये उनका ओपिनियन है। तो जब किसी का ओपिनियन होता है, यानी किसी का मत, किसी एक्सपर्ट का मत होता है, तो वो एक तरह का एक स्टैंडर्ड होता है। वो कुछ स्टैंडर्ड को मान करके, कि हाउसिंग है कि नहीं है, क्लीन वाटर है कि नहीं है। खैर अभी जो दिया हुआ है वो तो कंजम्पशन बेस्ड है, जो गरीबी बताई गई है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि कंजम्पशन के ऊपर कितना एक्सपेंड करते हैं, कंजम्पशन के ऊपर कितना खर्चा करते हैं, कंज्यूम कितना करते हैं। तो कंजम्पशन के ऊपर जो खर्च होता है इस बेस पर गरीबी मापी जाती है। तो वो कंजम्पशन बेस्ड है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे, इसके बाद भी अब बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ गई हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है ये। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट अपना अपना ओपिनियन देते हैं और अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे देते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। उनके जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो रिलेटिव पावर्टी जो होगी वो क्या होगी? वो एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, लेकिन चूंकि पावर्टी है इसलिए उसको पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग। वो क्या होगा? वो फैक्चुअल होता है, वो होता है फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड। तो फैक्ट के आधार पर जब गरीबी बताई जाती है, किसी फैक्ट्स के आधार पर कि इसके पास इतना है और इसके पास इतना है, तो उसको बोलते हैं फैक्चुअल या पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो एब्सोल्यूट पावर्टी होती है वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पर आधारित होती है, नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है, किसी न किसी एक्सपर्ट का वो मत होता है, उसका विचार होता है, और वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे होता है। ठीक है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे उसको मापा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पावर्टी। ठीक है, गरीबी मापने का वो तरीका है। तो सबसे पहले तो ये जो गरीबी है और ये हमें क्यों मापना पड़ रही है और इकोनॉमिक्स में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसके कुछ कारण समझ लेते हैं हम लोग, रीजंस। तो पहला जो रीज़न है वो है नेचुरल एडवांटेजेस। नेचुरल डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस का उल्टा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। तो नेचुरल डिसएडवांटेजेस या नेचुरल एडवांटेजेस, बहुत सारे लोग जो गरीब नहीं हैं या अनइक्वल हैं, वो अमीर हैं, तो वो सबसे बड़ा है कि प्राकृतिक रूप से वो ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जहाँ पहले से पैसा है। एक चीज़, वो ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए हैं, ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो देश गरीब नहीं है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। प्राकृतिक संसाधन जिस राज्य में बहुत है, अगर भारत में, उस राज्य में वो पैदा होगा तो रिलेटिवली वो कम गरीब होगा। तो जो नेचुरल एडवांटेज मिलता है, प्राकृतिक रूप से जो लाभ मिलता है, पैदा होने का, रहने का, खाने पीने का, रोजगार करने का, बचपन से ही हेल्थ अच्छी होती है, अगर अच्छे परिवार में होते हैं तो बीमारियां कम लगती है, मैलन्यूट्रिशन नहीं होता, टीके समय पे लग जाते हैं अगर बड़े शहर में पैदा होते हैं, तो स्कूल्स अच्छे मिल जाते हैं। तो गरीबी का सीधा एक संबंध है नेचुरल डिसएडवांटेज या एडवांटेज से। दूसरा संबंध है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट से, मार्क्स के कॉन्सेप्ट से, कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से काम करता है। कार्ल मार्क्स को दोनों ही लोग मानते हैं, कैपिटलिस्ट भी मानते हैं, सोशलिस्ट भी मानते हैं। कैपिटलिस्ट इस तरह से मानते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, FOPs हैं, वो 4 माने गए हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक 4 हैं, आंत्रप्रन्योरशिप, लैंड, लेबर और कैपिटल। आंत्रप्रन्योरशिप, लैंड, लेबर और कैपिटल, यानी जो स्वरोजगार खुद करता है अपना, फिर लैंड, भूमि की आवश्यकता होती है, लेबर, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, और कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता होती है किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए। या तो आप एम्प्लॉय बन जाइए यानी लेबर बन जाइए, या फिर अपना खुद का काम शुरू कीजिए। सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एम्प्लॉयर, एंटाइटी है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें लैंड लेबर कैपिटल उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आंत्रप्रेन्योरशिप नहीं कर। लेकिन जब आंत्रप्रेन्योरशिप की बात आती है तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो एक अलग तरीके से सोचते हैं। उनका कहना है कि जो आंत्रप्रेन्योर है वो बहुत बड़ा रेयर आदमी है, क्योंकि हर आदमी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता। और यदि कोई नौकरी नहीं कर रहा है और किसी दूसरे के यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद अपना एक नया काम शुरू कर रहा है, वो दूसरे को नौकरी दे रहा है एक तरह से। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है मतलब वो रिस्क ले रहा है, काफ़ी बड़ी रिस्क ले रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप में वही आदमी सक्सेसफुल होगा जिसके पास खुद का लैंड होगा और कैपिटल होगा। लेबर तो एबंडेंट है, लेबर की कोई कमी नहीं है, लेबर की स्कार्सिटी नहीं है, लैंड की स्कार्सिटी है और कैपिटल की स्कार्सिटी। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास लैंड हो बहुत सारी या काम चलाने वाली लैंड हो या फिर कैपिटल हो, ऐसे लोग बहुत कम है। पूंजी हो, पहले से खुद का पैसा हो, ऐसे लोग बहुत कम है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है और वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, पर उसमें भी रिस्क है। तब भी रिस्क है कि वो जो प्रोड्यूस करेगा वो बिकेगा कि नहीं, फिर उसको बेचना भी आना चाहिए, उसके लिए मार्केट ढूंढना है। तो कैपिटलिस्ट लोग या कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, उनकी विचारधारा ये है कि चूंकि सबसे ज़्यादा रिस्क जो अगर किसी ने ली है तो वो ली है एंटरप्रेन्योर ने। और दूसरे नंबर पर यदि कैपिटल उसका नहीं है तो उसने कैपिटल जहाँ से अरेंज किया है उन्होंने भी रिस्क उठाई है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं जो भी जीरो पे है, उसका प्रॉफिट नहीं देखा उन्होंने अभी प्रॉफिट नहीं देखा, उन्होंने शेयर खरीद लिए हैं या फिर उसको पैसा दिया है, उसको पैसा दिया, रिश्तेदारों ने पैसा दिया है, जिसने भी कहीं से भी उसने जो पैसा इकट्ठा किया उन लोगों की सबसे, या जमीन दी है या किसी मकान में बिल्डिंग में यदि वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, तो वो बिल्डिंग किराए पे देने वाला, उसको भी रिस्क है कि मेरा किराया समय पे आएगा कि नहीं। इसलिए अब अगर कोई प्रोडक्शन होता है और उसमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उनके पास जाना चाहिए जिन्होंने रिस्क लिया। प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उनके पास जाना चाहिए, और वो अगर प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उन लोगों के पास जाएगा तो फिर इनइक्वलिटी आएगी, क्योंकि लेबर का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसके लिए तो बार्गेनिंग नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा उसके पास ताकत नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट की बात कर सके, क्योंकि लेबर बहुत सारे हैं, वो छोड़ भी देंगे तो नए आ जाएंगे और आसानी से मिल जाएंगे। मार्क्स इन लेबर की बात करता है, वो गरीबी का एक कारण ये बताता है कि इनको पर्याप्त पैसा दिया जाना चाहिए, इनके पास पैसा आना चाहिए, बड़ा हिस्सा जो है जो आपके प्रोडक्शन के कारण आया है। मशीन लगाने वाले ने ठीक है पैसा दिया होगा, कैपिटल देने वाले ने कैपिटल दिया होगा, लैंड वाले ने लैंड दिया होगा, एंटरप्रेन्योर ने रिस्क लिया होगा, लेकिन इन लोगों ने उत्पादन करके दिया है। तो उत्पादन करके दिया है तो बड़ा हिस्सा इन लोगों के पास आना चाहिए। कैपिटलिज्म के हिसाब से वो सोचते हैं कि नहीं, चूंकि सारी रिस्क हमारी थी और कैपिटल भी हमारी थी और ये रेयर है, ये मिलना मुश्किल है, लेबर मिलना आसान है, इसलिए बड़ा हिस्सा इनके पास आना चाहिए। सिद्धांत समझ में आ गया? तो ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, इनइक्वलिटी का बहुत, दोनों एक साथ चलेंगे, गरीबी और इनइक्वलिटी, क्योंकि गरीबी बढ़ रही है और गरीबी के कारण आप गिन रहे हैं तो फिर इनइक्वलिटी उसी का पार्ट है, ठीक है ना। इनइक्वलिटी उसी की वजह से आ रही है। ऐसे समय में स्टेट बीच में आता है, गवर्नमेंट बीच में आती है और वो कहती है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुआ है अब हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जीएसटी प्रोग्रेसिव नहीं है, ध्यान रखिए, रेट्रोग्रेसिव टैक्स है। अभी जीएसटी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया तो बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम हो गया, ये उतना अच्छा काम नहीं है। सांचे के पैकेट पे भी जीएसटी है, माचिस की डिबिया पे भी जीएसटी है, साबुन पे भी जीएसटी है। तो जो मजदूर आदमी है, ऑटो चलाने वाला है, ठेला चलाने वाला है, वो भी जीएसटी पे कर रहा है और वो चीज़ें बढ़ रही है। अमीरों का टैक्स कम हो रहा है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किसको कहते हैं? जिनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा हो गई है उनके ऊपर टैक्स लगाना, सुपर रिच टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द में रीडिस्ट्रीब्यूशन है, री, क्योंकि वो इकट्ठा हो गया गलत जगह पे, गलत जगह पे इकट्ठा हो गया। गलत जगह इसलिए है, ध्यान रखिए, कि बड़ा भोला सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब ये है कि जब कभी भी ऐसे रिसोर्सेज किसी एक के हाथ में होंगे और रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होने लग जाएंगे और उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, रिसोर्सेज के माध्यम से वो प्रोडक्शन करने लग जाएगा, गवर्नमेंट मदद करने लग जाएगी और प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। एग्जाम्पल आता है जैसे कि टाटा स्टील प्लांट लगा जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर के लोगों के पास पैसा आया तो आसपास के गांव वाले भी जमशेदपुर के आसपास रहने लगे, कॉलोनीज डेवलप हुई, मकान बनाने वालों के पास पैसा आया। कोई प्रोडक्शन हो रहा था तो उस समय में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो आसपास से बहुत सारी चीज़ें और भी बिकने लगी। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जब एक सेक्टर फलता फूलता है तो दूसरा सेक्टर उसके सहारे अपने आप फलने फूलने लगता है। तो जब कभी हम लिखेंगे कि एक तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे बड़ा कारण तो वो हो गया नेचुरल एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला, फिर एक आप लिखोगे दूसरा कारण गरीबी का इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी का, पावर्टी का या इनइक्वालिटी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इनइक्वालिटी आएगी। पावर्टी का उतना सीधा नहीं है लेकिन इनइक्वालिटी जरूर आएगी, क्योंकि एक तबका गरीब रह जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ में और एक तबके के पास सबसे ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी उसी का भाग है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कॉजेज इनइक्वालिटी आती ही है। उसके साथ कुजनेट्स कर्व पढ़ लीजिएगा, कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व इसी को बोलते हैं, KUZNETS, कुजनेट्स कर्व। उसका कुछ मामलों में थोड़ा थोड़ा फायदा बॉटम को भी मिलता है। बॉटम पॉपुलेशन मतलब जो सबसे नीचे है, गरीब है, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है तो फिर उसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो नहीं मिल पाएगा। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं और कैपिटलिज्म में विश्वास रखते हैं, पूंजीवाद में, उन लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा रिस्क टेकिंग भी ये लोग हैं और जो दूसरा तबका गरीब रह गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है और उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इसलिए वो वहीं रहेगा। ट्रिकल डाउन से उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो हो जाएगा और अंततः होगा, क्योंकि ट्रिकल डाउन कहीं न कहीं काम करेगा। लेकिन ट्रिकल डाउन काम करेगा इसके लिए 4 एजम्पशन है। देयर आर 4 एजम्पशंस फॉर सक्सेसफुल ट्रिकल डाउन। What are assumption? First, कि वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो ठीक से काम करेगी, यानी वो प्रॉफिट में जाएगी। एक चीज़, पहला तो आप जो भी काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, जो भी लैंड लेबर कैपिटल फैक्टर्स को यूज़ करके जो भी कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अच्छे से होगा, एक चीज़। दूसरा, जब वो इतना अच्छा प्रोडक्शन करेगा और फायदे में जाएगा तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, सरकार रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस पर टैक्स लगाएगी। तीसरा, वो जो टैक्स लगाया गया है वो कलेक्ट भी किया जाएगा ठीक से, प्रॉपर कलेक्शन होगा। टैक्स लगाना और फिर कलेक्ट करना डिफरेंट प्रोसेस है, ऑनेस्टी से, विदाउट लीकेजेस। और चौथा एजम्पशन ये है कि वो जो टैक्स आपने लगाया है और इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से किसी बैंक को दे दिया और बैंक ने फिर उसको लोन दे दिया वापस कैपिटलिस्ट को, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे दिया, तो जनता तक तो पहुंचा नहीं जिन तक पहुंचना चाहिए था। कल्याणकारी योजनाएं चलाई कि नहीं? लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चली कि नहीं उससे? तो ये सिद्धांत समझ में आया। अगर ये चारों नहीं होते हैं तो ट्रिकल डाउन फेल हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है कि अगर अमीर आदमी का विकास होता है किसी भी देश में, यदि कोई उद्योगपति है और बहुत अमीर आदमी है और यदि वो विकसित होता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है, तो फिर उसका फायदा उसके आसपास के दूसरे उद्योगों और दूसरे लोगों को मिलता है, उसके कर्मचारियों को मिलता है, और फिर उसके कर्मचारी मार्केट में जाते हैं उस पैसे को लेके, तो वो कुछ खरीदते हैं तो उससे दूसरे और लोगों को मिलता है, और उसके बाद ऐसे फायदा निचले तबके तक पहुंचता है। बट ये लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें चार एजम्पशन है और चारों में कहीं पे भी फेल होने की, और पिछले 30 सालों में ये फेल हुआ है। और पिछले 30 सालों में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसको मालूम है कि मैं 5 रुपए की पूंजी लेके आया था और मैंने इसका 50 बनाया है, तो मैं अपना 5 और 5 प्रॉफिट यानी 10 मेरे पास रख लूँ, बाकी 40 मैं जनता को बांट दूँ या जनता तक पहुँचना चाहिए। ये भाव नहीं होता इंडस्ट्रियलिस्ट में। उसने एक बार देख लिया है कि 5 का 50 किया जा सकता है, तो 50 का 500 करने में लग जाता है। वो किसी को शेयर को देने, वो शेयर देने के बजाय उस 50 को 500 करने में लगता है, और फिर 500 अगर आ गए तो उसको 5000 करने में लगेगा, 5000 का 5 लाख करने में लगेगा, 5 लाख का 5 करोड़ करने की करेगा, क्योंकि उसको आइडिया आ गया कि कैसे होता है। ट्रिकल डाउन फेल हो गया, पूरी दुनिया में फेल है। ट्रिकल डाउन से किसी गरीब का भला नहीं होता। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो सोच है कि अगर अमीर आदमी को अमीर बनाया जाए तो फिर गरीब अपने आप फायदे, इनइक्वलिटी बढ़ती है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और असमानता यहाँ तक बढ़ जाती है कि 80% से ज़्यादा रिसोर्सेज केवल 5% लोगों के पास चले जाता है। अभी भारत की इनइक्वलिटी की ऑक्सफैम रिपोर्ट देखिएगा, ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट में जाकर के देखेंगे तो जो ऊपर के 50% है और नीचे के 50% है, तो नीचे के 50% लोगों के पास केवल 4% एसेट्स है, संपत्ति है, केवल 4% में, 4% के अंदर 50% लोग रह रहे हैं, और 96% किसके पास है? टॉप 50% के पास है। तो ये जो भेदभाव है, ये जो इनइक्वलिटी, ये जो असमानता है, ये जो गरीबी है, इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रिकल डाउन में विश्वास करना। तो सरकारों ने सही समय पे काम नहीं किया, और खास करके जब से, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है और हम लोग सरकारी बैंक यूज़ करते हैं और सब लोगों की सैलरी वहीं जमा होती है, सेविंग्स वहीं जमा होती है, पेंशन का पैसा वहीं रहता है। जैसे किसी की पेंशन जमा हुई 40,000 रुपये, किसी की सैलरी जमा हुई 1 लाख रुपया, तो वो बैंक में रहती है, वो धीरे धीरे खर्च करता है। कई बार 2-3 महीने की इकट्ठी हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको। ये पैसा उठा करके इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जाता है पैसा कमाने के लिए। दरअसल वो जो लैंड लेबर कैपिटल में, लेबर तो जनता है, और लैंड उन्होंने सरकारी ले लिया, सरकार के साथ मिली भगत करके, सरकार से मिल करके लैंड फ्री में ले लिया कि हम यहाँ उद्योग लगाएंगे तो लेबर को काम मिलेगा, तो हम रोजगार बढ़ाएंगे। और अगर आपको रोजगार बढ़वाना है, लोगों को नौकरी दिलवाना है, तो हमें लैंड फ्री में दीजिए। तो सरकार ने उसको लैंड फ्री में दी है, पानी फ्री में दिया है, बिजली फ्री में दी है, या बहुत कम पैसे में दिया है, नाम मात्र के पैसे से। 24 घंटे बिजली दी है, इंडस्ट्रियल एरिया में कभी बिजली नहीं जाती। तो ये सब जनता के पैसे से ये सब हुआ है। और कैपिटल भी उसके पास नहीं था तो सरकारी बैंक से उसको लोन दिलवा दिया, सरकारी बैंक से लोन दिलवा दिया। अब ये जो सब कुछ सरकारी है, लेबर जनता है, एंटरप्रेन्योर वो बन गया और उसने प्रॉफिट का सबसे ज़्यादा हिस्सा लेके भाग गया, कई बार विदेश भाग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो लाभ होता है, अगर उसको करोड़ों का फायदा होता है, अरबों का होता है, तो वो उसका अकेले का है, वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में पहुंच जाता है क्योंकि लाभ हुआ है। तो अगर उसको लाभ होता है तो उसको वो प्राइवेटाइज कर देता है। प्रॉफिट अगर होता है इस प्रकार से, यानी कि सरकार की लैंड, लोगों ने काम किया, सरकारी बैंकों ने पैसा दिया। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समाजवाद की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, समाजवाद की तरफ से। सरकार का यानी कि जनता का ही हुआ ना, जमीन भी जनता की, लोग भी जनता के, और पैसा भी जनता का। तो फिर प्रॉफिट होना चाहिए तो वो किसका होना चाहिए? जनता का, क्योंकि तीनों जनता के हैं। प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा किसके पास जाना चाहिए? 90% हिस्सा तो जनता के पास जाना चाहिए। 10% किसके पास जाना चाहिए? अब इस खेल में देखिए कि अगर मान लिया जाए बिजनेस सक्सेस हो गया लैंड, लेबर और कैपिटल की वजह से, और बहुत इंडस्ट्री फायदे में चली गई और करोड़ों छाप रहा है, अरबों छाप रहा है, 90% प्रॉफिट वो उसके पास रखता है और दुनिया के टॉप 10 में पहुंच जाता है। यानी प्रॉफिट का क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। और अगर वो फेल हो गया तो लोन नहीं चुका पाएगा तो क्या होगा? सरकारी बैंक का जो लोन है वो गवर्नमेंट देगी, वो जो टैक्स पैसे से, टैक्स के पैसे इकट्ठे किए हैं उसमें से वो सरकारी बैंक को बचाएगी, यानी उसका लोन का पैसा सरकार भरेगी। अगर घाटा हुआ तो डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, प्रजातांत्रिकरण हो जाएगा। किसका? घाटे का। घाटा उसका अकेले का नहीं है, घाटा किसका है? जनता का। प्रॉफिट होगा तो उसके अकेले का। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस तरह से जब कोई प्राइवेट एंटाइटी को जब ऐसे प्रमोट किया जाता है तो वो प्रमोट क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा क्या मजबूरी है कि सरकार उसको ये सब चीज़ें कर रही है? वो सरकार इसलिए उसको कर रही है क्योंकि वो उसको पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है, उस सरकार को सत्ता में लाने में मदद कर रहा है, इसलिए वो उसको लोन दिलवा रही है, जमीन दिलवा रही है, और वो सब फ्री में जा रहा है। और भागने के लिए उसको सुविधा भी मिल जाएगी, अगर घाटा हुआ और कर्जा हो गया तो वो भाग भी सकता है, और बाद में जनता के ऊपर डाल दिया जाएगा वो सारा पैसा। तो ये सुविधाएं क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में जनता वोट देती है, तो जनता को लुभाएं कैसे? मीडिया को खरीदना है तो तमाम चीज़ों में पैसा लगेगा। इसको बोलेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म। जब इस प्रकार से जब आएगा तो उसको बोलेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म। और इस प्रकार की डेमोक्रेसी जिसमें कोई पैसे वाला ही सत्ता का दुरुपयोग करता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो क्रोनी कैपिटलिज्म एंड प्लूटोक्रेसी आ गया समझ में। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब कैपिटलिज्म में सरकार मदद करने लग जाए अपने फायदे के लिए, और प्लूटोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी होने के बजाय पैसे वाला सत्ता चलाने लग गया। सत्ता के सारे निर्णय जनता नहीं लेती बल्कि एक पैसे वाला आदमी या दो पैसे वाला आदमी लेते हैं, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। दो लेते हैं या दो से ज़्यादा लेते हैं तो ओलिगोक्रेसी, एक ही लेता है तो प्लूटोक्रेसी, खास करके कुछ लोग मिलके। अब आ गया समझ में। तो ये यहाँ तक आएगा, सत्ता और बिजनेस का गठजोड़ है। तो ये चीज़ कैपिटलिज्म में बचते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री अमेरिका जैसे देश, यूरोप ऐसा लेक्चर देने से बचते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, इसमें सोसाइटी पहले है। और चूँकि हम तो गायत्री परिवार के हैं और गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि पूंजी पर समाज का नियंत्रण होगा, लोग निर्वाह मात्र के अर्थ साधन जुटा करके रह पाएंगे, किसी भी आदमी के पास पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी, पूंजी पर समाज का नियंत्रण होगा। कंट्रोल किसका होगा? कंट्रोल और कैपिटल किसका होगा? सोसाइटी का, सोसाइटल कंट्रोल होगा, सामाजिक नियंत्रण होगा। उन्होंने लिखा है और चेतावनी के तौर पे लिखा है कि नोट करने वाले नोट कर लें और इसको अनसुना ना करें और इसको रोज़ पढ़ें और पढ़ाएं। ये भी लिखा कि पूंजी पर किसका होगा? समाज का नियंत्रण होगा, कोई भी अमीर न रह सकेगा दुनिया में, पैसा समाज का होगा, सोसाइटी का होगा। और समाज का पैसा होगा तो अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छी कॉलोनीज होगी, क्लीनलीनेस होगा। और आपदा आएगी, महामारी आएगी, अगर कभी कोरोना जैसी या कोई, तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा क्योंकि सारी सुविधाएं थी। आपने देखा था ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे या ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में लोग तड़प रहे थे तो उनको चलाना नहीं आता था, लोगों को उसको रेगुलेटर चलाना ही नहीं आता था उनको, और ऑक्सीजन सिलेंडर होते हुए भी लोग मर गए। ऐसा नहीं कि एब्सेंस में ही मरे, होते हुए भी। तो बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब पूंजी का सही मैनेजमेंट नहीं होता, समाज में जो रिसोर्सेज हैं उनका सही मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसलिए वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, अमर्त्य सेन किसकी बात करते हैं? वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी। तो फिर वो सिद्धांत आया सबका साथ सबका विकास, जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ट्रिकल डाउन की जगह नया सिद्धांत कौन सा आया? इंक्लूसिव ग्रोथ। नया सिद्धांत है इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या करना होगा? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सुपर रिच टैक्स लगाए, रिसोर्सेज जिन लोगों के पास ज़्यादा हैं, कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया है आर्टिकल 39, 38 वो जो हो गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, उसको सरकार अपने कब्जे में ले। इसलिए शुरू की जो सरकारें थी उन्होंने पहले 5 ईयर प्लान में, सेकंड में आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए। शुरू में यदि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज करते थे, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। हमारी इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मैं थोड़ा इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी कवर हो जाए और कभी कोई निबंध आ जाए तो उसको बहुत अच्छे से लिख सकें, पॉलिटी में अगर इस नॉलेज को यूज़ करना है तो उधर भी कर सकें। बाकी प्योर इकोनॉमिक्स तो बड़ा बोरिंग है है ना, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपका मन लगे और आप अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है, पहली बार में यदि आप अगर लेक्चर में वो हो गया तो फिर इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा। और मैं माओ की तरह लड़ना भी नहीं सिखाऊंगा कि रिसोर्सेज छीन लो, गोली मार दो, क्योंकि उनका तो है ना कि इक्वालिटी जो आती है, समानता, वो बंदूक की नली से आती है, ऐसे नहीं मानता पैसे वाला आदमी, उसको उड़ाना पड़ेगा। ये है नक्सलिज्म। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आके उसका नाम हो जाता है नक्सलिज्म, इंडिया के वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में। इसलिए नेपाल में तक माओवाद बोलते हैं हम लोग, माओइज्म बोलते हैं कि माओवादी आए थे। यहाँ नीचे बोलते हैं नक्सल, बंगाल से नीचे नक्सलवादी कि नक्सली थे, नक्सलवादी थे। और ऊपर चीन का प्रभाव है इसलिए वो माओवादी। माओ जो था वो थोड़ा सा लेनिन से भी ज़्यादा थे और ख़ास करके मार्क्स का बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म है। और उनका कहना है कि नहीं, ये प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए, गोली मार दो, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो ख़त्म करो इसको, पैसे वाला है ही क्यों। तो वो गलत है। हमने इसीलिए लिया है समाजवाद, और समाजवाद में भी फेबियन सोशलिज्म, यानी कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी जो सैम पित्रोदा वहाँ से बोल रहे थे कि अमेरिका के कुछ राज्यों में वो कानून है कि संपत्ति जो है, प्रधानमंत्री बड़े वो बोल रहे थे उस पर कि आपका मंगलसूत्र छीन के उनको दे दिया जाएगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, वही अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं वाला। अपनी रोटी मिल बांट के खाएं का मतलब यही है कि जो रिसोर्सेज वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, जैसे कि मान लिया जाए किसी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हो गई है, जैसे अंबानी है, तो अंबानी ने पूरी ज़िंदगी में जितना भी पैसा इकट्ठा किया पूरा पूरा उसके बच्चों को क्यों मिले? अडानी ने जो इकट्ठा किया वो पूरा पूरा उसके बच्चों को, उसके बच्चों के लिए भी तो कुछ काम छोड़ा जाए कि वो भी कुछ करें ज़िंदगी में। तो किसी के पास 1000 करोड़ है तो 500 करोड़ सरकार को दे ताकि वो वेलफेयर के काम करें जनता के, और 500 करोड़ को वो बढ़ा के फिर से 10,000 करोड़ तक ले जाए, उसमें क्या दिक्कत है? ताकि उसके बच्चों को 5,000 करोड़ मिल सकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना कमाए। बहुत अच्छा सिद्धांत है, कोई बुरा नहीं है। कांग्रेस तो डिफेंड कर रही है, डर रही है कि नहीं ऐसा करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुत प्यारा सिद्धांत है, वो यही गुरुजी ने जो कहा वही है। देखिए, ये कोई ऐसे आदमी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा कि जिसके किसी के पास 2 मंगलसूत्र थे, एक उसको दे देंगे मुसलमान को, यानी किसी के पास 1 करोड़ रुपया है तो 50 लाख दूसरे को दे देंगे, 50 लाख इसका रहेगा। ये ऐसा सिद्धांत थोड़ी होगा। जब भी कभी किसी का लगाएंगे तो उसका एक क्राइटेरिया होगा कि 1000 करोड़ से ज़्यादा वालों पर यह नियम लागू होगा। और अंबानी की अगर आधी संपत्ति सरकारी हो जाए और आधी अंबानी की रहे तो अंबानी गरीब थोड़ी हो जाएगा, उसके बावजूद भी 200 एंटिलिया और बना सकता है, 1000 एंटिलिया बना सकता है अगर उसकी आधी संपत्ति छीन भी ली जाए। आखिर आपने संपत्ति कमाई कैसे है? हमारे जंगलों को काट के, हमारी हवा को खराब करके, पीने के पानी को, ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करके वाटर टेबल को बहुत नीचे पहुंचा दिया। यानी बहुत सारे लोगों को गरीब करने के बाद ही तो आप अमीर बने हैं। वही कि कहीं पे भी यदि मिट्टी का ढेर लगा है, इसका मतलब गड्ढा खुदा है। और जितना बड़ा मिट्टी का ढेर, आप देखिए आपके घर के आसपास यदि कहीं काम चलता है, अगर बड़ा मिट्टी का ढेर है तो आप जाके देखना उतना ही गहरा गड्ढा होगा। जितना बड़ा मिट्टी का ढेर उतना गहरा गड्ढा। कहीं होटल बन रहा हो बहुत अच्छा 5 स्टार, तो कितना बड़ा गड्ढा करते हैं वो तो मिट्टी हटाते जाते हैं। सारी मिट्टी वहाँ रख दी जाए तो कितना बड़ा पहाड़ बन जाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ा आप नुकसान पहुँचाएंगे। तो जब तक आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते, जब तक आप जनता के हितों को नुकसान नहीं पहुँचाते, हवा को खराब नहीं करते, पानी को खराब नहीं करते, कई जनरेशन्स को खराब नहीं करते, कई लोगों को कम पैसे में काम नहीं लेते, तब तक आप पैसे वाले नहीं हो सकते। और अगर आपने कई लोगों को गरीब किया है तो अब मरते समय में आधी संपत्ति आप अपने बच्चे को दे दीजिए। चलिए, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, मरेंगे थोड़ी आप, गरीब थोड़ी हो जाएंगे। दुनिया में आप दूसरे नंबर के थे तो हो सकता है 125वें नंबर पे पहुंच जाएं, तो फिर आप पहले नंबर पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा अगर योग्य होगा तो फिर अब कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बन के थोड़ी रहता है। कलेक्टर के बच्चे को फिर से तैयारी करनी होती है IAS की। डॉक्टर के बच्चे को योग्यता के मामले में तो पूरा, लेकिन अमीर आदमी का बच्चा तो अमीर होता है, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? अमीर होने के लिए अगर तुम क्वालिफाइड हो अमीर होने के लिए तो फिर बढ़ा लो, 500 का 1000 तुम भी कर लोगे, कुछ दिनों में ही कर लोगे। अगर पिता से ज़्यादा योग्य हो गए तो पिता को 40 साल लगे तो तुमको 5 साल लगेंगे अगर तुम काबिल हो तो। उसके लिए तो रोका नहीं जा रहा, बल्कि तुम 10,000 कर लो, 1000 ही क्यों, ताकि बच्चे को 5000 मिल सके। तुमको तो 500 ही मिला था, तो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है। और वो गरीबों पे लागू नहीं होता। मान लीजिए किसी के पास झुग्गी और 200 रुपए हैं और उसके बच्चे को 100 मिलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ना हो, तो क्योंकि तो उसका बच्चा भी तो 200 रोज कमाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? वहाँ पर जहाँ 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, उन लोगों को फर्क पड़ेगा। और उनसे फिर देश का विकास होगा। इनहेरिटेंस टैक्स, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। तो अगर उसकी असली व्याख्या की जाए, सही ढंग से समझाया जाए तो वो देश के हित में ही है, और खास करके गरीब देश जहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे लोगों के हित में है। और उसमें एक सीलिंग होगी, ऐसे थोड़ी हर आदमी के पास, किसी के पास मुश्किल से 50 लाख इकट्ठे हुए या मुश्किल से 2 करोड़ इकट्ठे किए और वो सरकार ने 1 करोड़ ले लिया। ऐसे आदमियों पर लागू नहीं होगा वो उन पर लागू होगा जो बहुत ज़्यादा पैसा। फिर देखिए सरकार के पास वैकेंसी निकलती ही कि नहीं। मध्य प्रदेश में 3000 तहसीलदार, नायब तहसीलदार चाहिए, वो 250 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकालता MPPSC वाला, अभी 70 निकाल के बैठा है, क्योंकि 3000 तहसीलदारों की ज़रूरत है। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि पैसा नहीं है। एक आदमी को खाली कर दो आधा तो हजारों युवा, लाखों युवा नौकरी पे लग जाएंगे। आपकी फिर वैकेंसी देखो, आप फिर देखो वो सब होता है कि नहीं। तो कभी ना कभी तो ये करना पड़ेगा ना। ये इसलिए भी लागू होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है वो इसलिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि जिस लैंड और कैपिटल की बात की जा रही है कि जिसका लैंड है और जिसका कैपिटल है उसका तो बड़ा हिस्सा बनता है, उसका शेयर तो ज़्यादा होगा, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे। लेकिन ये बताइए कि आपके पास लैंड और कैपिटल ज़्यादा क्यों है? क्या ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कभी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी हुआ है? क्या ये जस्ट है? क्या ये न्यायिक तरीका है? तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो फिर आपके पास ज़्यादा है कहाँ? इसका मतलब है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री में हुआ है। लोगों ने अनइक्वली, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत थी उसने उतनी लैंड और कैपिटल पे कब्जा किया। तो असमानता तो पुराने समय से चली आ रही है। इसका मतलब आपने अर्न, सबने अर्न थोड़ी किया है, सबने लैंड और कैपिटल अर्न नहीं किया है। हिस्टोरिकल जो डिसएडवांटेज है, ऐतिहासिक रूप से जो गलतियाँ हुई है, जाति की वजह से किसी के पास ज़्यादा है, धर्म की वजह से किसी के पास ज़्यादा है, लोकेशन की वजह से किसी के पास ज़्यादा है, जेंडर की वजह से किसी के पास ज़्यादा है, पुरुषों के पास ज़्यादा है, महिलाओं के पास कम है। महिलाओं को प्रॉपर्टी का राइट्स ही नहीं दिया है, इसलिए उनका डिसीजन मेकिंग भी नहीं है। लोअर कास्ट के पास प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं था, खास करके लोअर कास्ट। पूरे भारत में लोअर कास्ट अनटचेबिलिटी वाले जितने लोग हैं जिनसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, वो गांव के बाहर रहते हैं, गांव के कोने पर रहते हैं। किसी भी गांव में चले जाइए, गांव के मुख्य चौराहों पर, बस स्टैंड पर, स्कूल के पास में उनके मकान क्यों नहीं है? उनके मकान क्यों गांव के उस गंदे छोर पर हैं जिधर बिल्कुल गंदगी है या शमशान है या ऐसी चीज़ें हैं? वहीं पर क्यों होते हैं? उनके बच्चे क्या सीखेंगे? तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए कैपिटल और लैंड पर जो दावा ठोका जाता है वो गलत है। उसका फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका सबसे अच्छा तरीका है इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल। और इंक्लूसिव ग्रोथ के मॉडल में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव नहीं बोलते। प्रोग्रेसिव इससे क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी में एक इंटरेस्ट आपको इसके माध्यम से आएगा। गरीबी और इनइक्वलिटी भी आप समझे होंगे। इनइक्वलिटी के लिए लॉरेंज कर्व देखिएगा, गिनी कोएफिशिएंट, 0 से 1 उसका मान होता है गिनी कोएफिशिएंट का। 0 के पास होता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समानता है, इक्वलिटी है। 1 के आसपास जाते हैं तो इनइक्वलिटी है। भारत 0.56 के आसपास आता है, बीच में कहीं आता है। हमारा 80 के आसपास जो भी स्थान है गिनी में, जिनी या गिनी, GINI जाके देखिएगा जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है। लॉरेंज कर्व जो बनता है वो इनकम और पॉपुलेशन, इनइक्वलिटी और पॉपुलेशन के बीच बनता है। तो कितनी पॉपुलेशन जो है इनइक्वल है, तो उसके ऊपर लॉरेंज कर्व। और पहले जो आपको बताया था कुजनेट्स कर्व, एक कुजनेट्स कर्व है, एक लॉरेंज कर्व है, एक जीनी कोएफिशिएंट है। तीनों को लिखिए, तीनों होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, लगभग यही कारण होंगे, यही चीज़ें होंगी। और अगर ये असमानता कम करनी है तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल सबसे बेस्ट है। सब लोगों की ग्रोथ होनी चाहिए, बॉटम को ज़्यादा मिलना चाहिए। बॉटम को जब तक अपलिफ्ट नहीं करेंगे, वही सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना? तो वो होना ज़रूरी है, ठीक है? तभी जा कर के ये डेमोक्रेसी या चुनाव या हमारा इस प्रकार की इकोनॉमी को बोलेंगे वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसके ऊपर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। किताब थी उनकी पॉवर्टी एंड फेमाइन, ठीक है? कल हम देखेंगे इनइक्वलिटी को मापने के तरीके, तमाम प्रकार की कमेटी और ये और अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट, ठीक है? चलिए, तो आज यही बात खत्म करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीया माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश, सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की।